Hey guys, welcome back to Distance Between. मैं हूँ शुभम। आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है और वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे बोला था इस जगह की वीडियो बनाने के लिए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल भी है और यहाँ पर आपको बीच, टेम्पल्स और सिटी लाइफ के अलावा बहुत सारी घूमने की प्लेसेस भी मिल जाएंगी। विशाखापट्टनम में जो लैंग्वेज चलती है वो चलती है तेलुगु लैंग्वेज। हालांकि इसकी वजह से आपको घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लोग जनरली हिंदी और इंग्लिश भी समझते हैं। विशाखापट्टनम घूमने का जो बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है अक्टूबर से मार्च तक का। इसके अलावा आप चाहे तो मानसून वगैरह में भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि विशाखापट्टनम आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ की टूर आइटनरी आपकी क्या हो सकती है और साथ ही साथ आपका यहाँ पर घूमने में क्या खर्चा आएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप विशाखापट्टनम घूम सकते हैं। विशाखापट्टनम भुवनेश्वर से 442 किलोमीटर की दूरी पे और आपको यहाँ पर पहुँचने में लग सकते हैं 8 से 10 घंटे। इसके अलावा हैदराबाद से इसकी दूरी 620 किलोमीटर की और पहुँचने में लगभग लग सकते हैं 13 से 14 घंटे। और चेन्नई से 800 किलोमीटर की दूरी पर है और पहुँचने में लग सकते हैं आपको 15 से 16 घंटे। इसके अलावा विशाखापट्टनम में आपका रेलवे स्टेशन भी है और देश के मेजर रेलवे स्टेशन जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा से आपको यहाँ के लिए डायरेक्टली ट्रेन भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्लाइट भी आती है बहुत जगहों से, मेजर जो भी एयरपोर्ट है वहाँ से फ्लाइट वगैरह भी मिल जाएगी, एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारी जगहों से आपको आने के लिए सुविधा है, साथ ही साथ आसपास की जगहों से आपको बस वगैरह भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके लिए बेस्ट समझा जाए यहाँ के लिए कौन सा कन्वेंस हो सकता है तो आपके लिए ट्रेन सबसे बेस्ट होगा क्योंकि कनेक्टिविटी भी अच्छी है और साथ ही साथ यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेन वगैरह मिल जाती है और सस्ता भी आपके लिए पड़ता है। अगर समय आप बचाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट का यूज़ कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में अगर आपको होटल लेना है तो आप ले सकते हैं आरके बीच के आसपास या फिर जगदम्बा जंक्शन के आसपास। यहाँ पर होटल लेने से आपको घूमने फिरने में आसानी होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ का टूर प्लान क्या होगा। तो डे वन में आप यहाँ पे जा सकते हैं INS कुरसुरा। इसके अलावा इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ जा सकते हैं। कैलाशगिरी बहुत ही पॉपुलर प्लेस है यहाँ की, वहाँ पर जरूर जाएं। तिनीती पार्क है, वहाँ जा सकते हैं। और बुड्ढा पार्क है, इसके अलावा लाइट हाउस है यहाँ पर, और विशाखा म्यूजियम है, रोशिकुंदा बीच है, आरके बीच है, मत्स्य दर्शनी, ये सारी प्लेसेस आप डे वन में कवर कर सकते हैं। डे टू की बात की जाए तो डे टू में आप जा सकते हैं शिवाजी पार्क। इसके अलावा फिशिंग हार्बर है, वहां जा सकते हैं। डॉल्फिन नोज काफी पॉपुलर प्लेस है, वहां आप जा सकते हैं। और एक टेम्पल है महालक्ष्मी टेम्पल, कनक महालक्ष्मी टेम्पल, वहां जरूर जाएं। तो ये सारी प्लेसेस आपकी डे टू की एंट्री होगी। अब डे थ्री की बात की जाए तो डे थ्री में आप अराकू वैली जा सकते हैं। अराकू वैली काफ़ी पॉपुलर टूर होता है, पूरे डे ट्रिप होता है ये, और लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मेन विशाखापट्टनम से। तो यहाँ की ट्रिप आप जरूर करें। तो टोटल ओवरऑल 3 दिन की आप यहाँ पे प्लान बना सकते हैं, फोर्थ डे आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप टेम्पल टूर करना चाहते हैं, यहाँ के वारा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है उसका आप टूर कर सकते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल यहाँ पर 3 दिन आइडियल होगी घूमने के लिए। विशाखापट्टनम घूमने में आपका क्या खर्चा आएगा वो अब आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपका जो होटल का खर्चा आएगा लगभग आपका आ सकता है 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये पर डे टू एडल्ट्स का। मील्स का आपका खर्चा आएगा लगभग यहाँ पे आपका 1000 रुपये टू एडल्ट्स का पर डे का। और साथ ही साथ आपका जो कन्वेंस का खर्चा है वो आ सकता है लगभग 4500 के आसपास का खर्चा आएगा, जो कि 4 सीटर कार का खर्चा होगा 3 दिन का। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कम से कम 2 लोग तो इसमें आपके बैठेंगे। तो पर पर्सन कॉस्ट आपका विशाखापट्टनम 3 दिन का क्या खर्चा आएगा वो अब आपको मैं बता देता हूँ। होटल का यहाँ पे आपका जो खर्चा आएगा वो लगभग आ सकता है यहाँ पे 2250 रुपीज़। मील्स का आपका लगभग आ सकता है यहाँ पे 1500 रुपीज़ का खर्चा, और कन्वेंस का आपका 2250 रुपीज़ का खर्चा। तो टोटल करेंगे तो लगभग आपका यहाँ पे खर्चा आ रहा है 6000 रुपीज़ घूमने में। इसके अलावा एंट्री फीस वगैरह का कुछ खर्चा अलग होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको अराकू वैली की ट्रिप करनी है तो आप APTDC का पैकेज ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके साथ ही आपका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का दे रखा है, आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। जो खर्चा लगता है अराकू वैली का लगभग लगता है 965 रुपीज़ एडल्ट का लगता है, और साथ ही साथ आपका अगर चाइल्ड का देखा जाए तो लगभग 765 के आसपास लगता है। तो इतना ही खर्चा है, इतने में आप घूम लेंगे वहाँ पे। अराकू वैली की पूरी डे की ट्रिप होती है वो कर लेंगे, और
साथ ही साथ इसमें लंच, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स भी इंक्लूड होते हैं। अगर आप सिटी टूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी APTDC का पैकेज ले सकते हैं और वो आपको लगभग 550 में मिल जाएगा एडल्ट के लिए, और चिल्ड्रन के लिए 350 के आसपास में मिल जाएगा। तो सस्ता पैकेज है, गवर्नमेंट का है, इसको कर ले, आपके लिए बेटर होगा घूमने में और सस्ते में आप घूम सकते हैं। आपका जो 6000 का पैकेज बन रहा है वो कम ही में हो जाएगा और शायद आप 2 दिन में भी घूम लें सारी प्लेसेस। तो गैज ओवरऑल आइडियल जो घूमने के लिए यहाँ पे टाइम है वो 3 दिन का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप एक बार जा सकते हैं, घूम सकते हैं फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी। तो गैस कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछें। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।